नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सनातन धर्म में कई ऐसे प्राचीन त्योहारों का आयोजन सदियों से होते चले आ रहे हैं। उन्हें त्योहारों में से एक ऐसा भी त्योहार है जो हिंदू आस्था में शामिल है, जहां सैकड़ों वर्षों से बुढ़वा मंगल के नाम से राम भक्त हनुमान जी के नाम से मनाया जा रहा है, जहां भक्त इस त्योहार को लेकर हफ्ते पहले से ही तैयारी करने लगे रहते हैं। जहां राम भक्त हनुमान के नाम से प्रसिद्ध बुढ़वा मंगल के कार्यक्रम के तहत जगह जगह मंदिरों में सजावट देखने को मिली, वहीं जगह जगह भक्तों ने भंडारे का आयोजन किया, जहां ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हुए जयकारे लगाए। जहां आज हम ऐसे ही एक प्राचीन बालाजी नाम से प्रसिद्ध धाम की बात करेंगे, जहां पुखराया निवासी बालाजी ब्रिक फेयर के मालिक द्वारा प्राचीन मंदिर में सजावट करने के बाद हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन कराया गया, जहां कई गांव के दूर दराज के सैकड़ों लोगों ने मंदिर पहुंचकर दर्शन करने के बाद भंडारे में शामिल होते हुए प्रसाद ग्रहण किया। सनातन धर्म में शामिल इस प्राचीन बुढ़वा मंगल त्यौहार के दौरान इस खास रिपोर्ट को देखिए। सबसे पहले इंडियन टाइम न्यूज पर चंग बहादुर सिंह के साथ। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश अग्रवाल। चाचा जी, आज बुढ़वा मंगल के कार्यक्रम को लेकर आज यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है, भंडारे का आयोजन चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? बालाजी महाराज सबकी कृपा करें। बालाजी महाराज की कृपा है। सर क्या नाम है आपका? श्रीवास्तव जी, आज यहाँ पर बुढ़वा मंगल के मौके पर यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है, हर वर्ष की भांति आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बालाजी सब पर दया करें, सब पर कृपा दृष्टि रखें और सब देश को जो है सुरक्षित रखें,